दोस्तों, गीता जयंती के दिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद् गीता के जन्म का प्रतीक है। पंचांग के अनुसार मांग शीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है और इसी दिन मोक्षदा एकादशी भी होती है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और इस बार ये बेहद खास दिन 3 दिसंबर को पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, हर किसी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और साथ ही गीता का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको गीता जयंती की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में बताते हैं। चलिए जानते हैं शुभ तिथि के बारे में। मांग शीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 3 दिसंबर को सुबह 5:39 पर होगी और अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर समाप्त होगी। बताते हैं इस दिन के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। इनमें व्यक्ति जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है, साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया है। इस ग्रंथ के अध्ययन और अनुसरण कर व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, साथ ही व्यक्ति को मरणोपरांत भगवान धाम की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है। गीता ग्रंथ सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पढ़कर उसके संदेशों को ग्रहण करने के लिए है। भागवत गीता के चिंतन से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन अज्ञानता की ओर अग्रसर होता है। इसे पढ़ने और सुनने से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, चलिए आपको इस दिन की पूजा विधि के बारे में जानकारी देते हैं। इस दिन मोक्षदा एकादशी भी है, अतः साधक एकादशी व्रत भी रख सकते हैं। इसके लिए दशमी यानी कि 13 दिसंबर से तामसिक भोजन का त्याग करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें, गीता जयंती के दिन ब्रह्मबेला में उठें और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और स्मरण कर दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और फिर श्री गंगे का मंत्र उच्चारण का आमचन करें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले फल, पुष्प, दीप, धूप, दुर्वा आदि चीजों से करें। साधक के पास पर्याप्त समय है तो गीता पाठ जरूर करें। अंत में आरती अर्चना कर पूजा संपन्न करें। दिन भर उपवास रखें। अगर जरूरत महसूस हो तो एक बार जल और एक फल का ग्रहण कर सकते हैं। संध्या काल में आरती अर्चना और प्रार्थना के पश्चात फलाहार करें। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।